तो हम लोग धोलावीरा आर्कोलॉजिकल साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को चलो निकले। हम लोग अभी सीधा आगे एक होटल है, वहाँ पे खाना खाएंगे क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है गाइस। तो धोलावीरा के ये जो आर्कोलॉजिकल साइट है धोलावीरा, तो उसके आजू बाजू भी आपको टेंट वगैरह मिल जाएंगे गाइस, टेंट भी मिल जाएंगे, रिसोर्ट वगैरह भी है आजू बाजू। हमने 3-4 रिसोर्ट देखे यहाँ पे, तो आपको रहना यहाँ पे स्टे करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। हम लोग एग्जिट हो रहे हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम कुछ खा लेंगे। ओके करिए पूछे ये मैं ये आ होटल बात कर रहा हूँ, पूछ ले हूँ मल तो चले चल ले फटाफट पूछे मैं उबर ने नाश्तो नाश्ता में कई छे क्या जमवानु छे नाश्ता में कई छे के जमवानु छे नाश्ता में એટલે બસ શું મળશે નાસ્તામાં ચા થેપલા ને જમવામાં બધું જ મળશે અચ્છા ઓકે પૂછી લઉં ચાલો ને નાસ્તામાં ચા થેપલા એવું મળે ને જમવામાં તો 1.5 કલાક એવું લાગે મોડું થાય ચાલે ને ચાલ तो चाय और थेपला आ रहा है हमारा ऑर्डर। ये राम रन रिसोर्ट है, उसके अंदर होटल है, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, आधे घंटा, हाँ आधा घंटा जैसा लगेगा, इतना टाइम नहीं क्योंकि सनसेट होने के से पहले हमको ये रोड पे जाना है, रोड ऑफ हेवन पे सनसेट देखना है हमें। ये देखा गाइस, कल जहाँ हम रुके थे खादिर, तो उसको भुंगा बोलते हैं, मुझे कल नाम याद नहीं आया था, भुंगा। चलो अभी निकलते, सीधा मिलता हूँ बाइक पे। चलो आओ जी मड़िए। ये जो अभी रिसोर्ट था राम रन रिसोर्ट, वहाँ के थेपले बहुत ही बढ़िया थे गाइस, और एक बार ट्राई करना गाइस आप, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक एक प्लेट ही फटाफट खाने वाले थे। हमने टोटल मतलब हम 4 जन मिल के टोटल 17 थेपले खाए और एक एक जन ने 2-2 चाय पी। सो ये है, बहुत ही बढ़िया है टेस्ट, इधर आओ तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना गाइस। अभी हम एंट्री ले रहे हैं रोड ऑफ हेवन पे, यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है गाइस, यहाँ पे आगे जाने के लिए। तो यार निक गया एंट्री के लिए उधर, तो एंट्री करवा ली हमने, अभी जा रहे आगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चालू है गाइस, सन देखो, वाओ सो मैंने ये रोड रील में देखा था, तो उस टाइम पे ये डामर रोड नहीं था, मतलब ये पक्का रोड नहीं था, ऐसा था, ये जो बाजू में देख रहे हैं आप मिट्टी वाला था, अभी ये पूरा डामर रोड बन रहा है। अरे बहुत ही ऑसम है गाइस, बेस्ट। अभी आगे मेरे को पानी दिख रहा है, तो दोनों तरफ पानी होगा और बीच से हम लोग जाएंगे। वाओ
वाओ दिस इज ऑसम गाइस, ऑसम गाइस। अभी हम लोग इधर रुके हैं, ड्रोन उड़ाना है हमको। सो गाइस अभी ड्रोन सेट कर रहा है याग्निक और आशय अपने बाइक को क्रूज कंट्रोल पे रखेगा। दिखाता हूँ आशय का क्रूज कंट्रोल कैसा है। अभी आशय बाइक को क्रूज कंट्रोल पे रखेगा और वो ड्रोन उड़ाएगा क्योंकि क्योंकि ये याग्निक का ड्रोन मिनी 2 है तो इसमें ट्रैकिंग मोड नहीं है तो मैन्युअली उसको उड़ाना पड़ेगा ट्रैक हमको ट्रैकर। और ये देखो आशय का क्रूज कंट्रोल, ये जो रबर बैंड रबर इलास्टिक दिख रहा है ना वो, इसको वो ऐसे करके एक्सीलेटर में ऐसे डाल देगा तो वो एक्सीलेटर अटक जाएगा एक स्पीड पे। बढ़िया डीएससी स्टाइल है। चलो अभी रेडी, चलो बोठियो सभी निकले। बढ़िया सा ड्रोन देखो वहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, वो आशा ही चला रहा है ड्रोन को अपनी बाइक को क्रूज कंट्रोल पे रख के। और आप देखिए ड्रोन शॉट। गुड ओ नाइस या दिस इज अंडर डेवलपिंग राइट नाउ। सो चलो गाइस निकले हम लोग। ये जो अभी भैया मिले थे वो बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद है और जो उसकी कार है वो अकेले ट्रैवल करने निकले हैं अपने जीप वैंगलर लेके और सब कैंपिंग का सामान साथ में लेके घूम रहे हैं। मतलब कोई होटल नहीं कुछ नहीं है, गाड़ी में ही सब कुछ है। सो बढ़िया है। और उनका YouTube का चैनल भी है द संस्कृत चैनल, द संस्कृत चैनल गाइस, एक बार जाके ज़रूर देखो। अभी वन एंड हाफ आवर जैसा हमको होगा, हम जा रहे हैं डोरडो। तो हाफ वे का रोड बन चुका है, हाफ वे का बाकी है, अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा रोड का काम। लेकिन एक बार ये जो बन जाएगा ना गाइस तो बहुत ही बढ़िया व्यू होगा, सच में कह रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में बन जाना चाहिए पूरा रोड। गाइस रास्ते देखो आप, और कब से हम लोग ऐसे ही रास्ते से जा रहे हैं। और आज तो अच्छा खासा ऑफ रोडिंग हो गया हमारा। अभी हम लोग डोरडो जा रहे हैं, डोरडो 10 सिटी।
सो वहाँ पे एक टेंट वाले को फ़ोन किया है ऑलरेडी, तो सीधा जाएंगे वहाँ पे और एक डेढ़ घंटा लगेगा शायद यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते, और जाके पहले नहाना पड़ेगा क्योंकि पूरा धूल मिट्टी वाला हो चुका हूँ मैं। ये देखो ये गाइस, ये कोई फॉग वॉग नहीं है, ये धूल है, धूल धूल मिट्टी उड़ रही है। आज तो हालत एकदम टाइट होने वाली है गाइस। सो फाइनली अच्छे रास्ते पे आ गए गाइस, और ठंड बढ़ चुकी है और मैंने जैकेट की चेन तक नहीं मारी, अभी चेन मारना पड़ेगा जैकेट की। 7:22 हुए गाइस, अभी मेरे को लगता है 8:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। डो डो पानी ला मैंने कहा तीस किलोमीटर जहाँ पे हम रुके थे, दिव्यस लोग मेरी वेट कर रहे थे, उसका नाम है खेवाड़ा। सो यहाँ से 25 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर दिखा रहा है जहाँ हम स्टे करने वाले हैं वो प्लेस। तो बेसिकली वो डोडो टेंट हाउस है जो वो वेरी फेमस कच्छ में, आप वाइट रन जो बेसिकली जो मेन एरिया है वो डोडो में, डोडो टेंट जो है वो मेन एरिया है, वहाँ पर हम नहीं रुकने वाले। उसके बाद थोड़ा सा आगे है, एक दो किलोमीटर आगे है, वहाँ पे रुकने वाले हैं। गाइस बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वो चेंज, हम लोग डोडो पहुँच गए, अभी इसको मैंने चार्ज में रखा है तो अभी चलते हैं। सो डोडो पहुँच गए, वाइट रन जाने का रास्ता ये है गाइस। सो यहाँ पे 24 आवर्स का परमिट मिलता है, तो परमिट लेना पड़ेगा, कंपलसरी है वो, तो वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, तो उसकी वेबसाइट है जो याग्निक ने अभी मोबाइल में बताई, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ये जो अभी रन शो चल रहा है तो वहाँ से ही हम जा रहे हैं। पहले हमको ऐसा लगा कि यहाँ से हमको जाने नहीं देंगे विदाउट परमिट, लेकिन वो पुलिस वाले को पूछा, पुलिस वाले ने बोला कोई बात नहीं आप जा सकते हो। ये देखो गाइस दोनों तरफ, रन उत्सव पे हम लोग गाइस, रन रन होम स्टे रिसॉर्ट। चलो पार्किंग में पार्क कर देते हैं गाइस, पार्किंग में पार्क। सो गाइस ये है हमारा बुंगा, और आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। ये सामान वामान रख दिया है, तो फिलहाल ये है हमारा आज का स्टे। अभी सामान सब रख दिया तो अभी थोड़ा मैस हो चुका है, तो ये है। सो गाइस आ गए हम लोग आसई, और दिव्यस वहाँ पे पार्क बाइक पार्किंग है तो बाइक पार्क करने गए, और हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर ये पूरा घूमेंगे और ये घूम के आएंगे। We'll be right back.
सो अभी बंद होने का टाइम हो गया, 10:30 बजे बंद हो जाता है, अभी बजे है 10, तो अभी सब एक एक दुकान बंद हो रही है, तो अभी हम लोग भी थोड़ा घूम के निकल जाएंगे। सो गाइस, दोनों तरफ फूड कोर्ट है और दोनों तरफ एक ही तरह की जैसी शॉप्स है, सब कपड़े वगैरह मिल रहे हैं और चप्पल वगैरह। तो मैंने वहाँ से एक चप्पल ली 300 रुपये की आई। चलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने रिसोर्ट में, क्योंकि अपने काम के कुछ चीज़ नहीं है, चप्पल लेनी थी वो ले ली मैंने। 8 की 6 कल्ला ओ तो वो जो गेट गया ना, वहाँ से एंट्री है वाइट रंग की। अभी सीधे रूम पे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं रूम में।